नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ है अपूर्व मिश्रा और आज बात करने जा रहे हैं 1800 रुपए जो महेंद्र सिंह धोनी पर एक तरह से बकाया है, एक तरह से उन्हें पे करना है। अपूर्व, JSCA मतलब क्या कहें कि इतना नीचे गिर गया कि 1800 रुपए के लिए वो विवाद भी खड़ा कर सकता है। मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये कह रही है कि JSCA चाहता है कि धोनी उन्हें 1800 रुपए दे। शायद वो कॉन्ट्रीब्यूशन भूल गया है जो पैसों के तौर पर तो कभी नहीं तोला जा सकेगा, कि उन्होंने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को या पूरे के पूरे झारखंड का नाम उन्होंने किस तरह से रोशन किया। लेकिन ये पूरा का पूरा मसला सामने निकल कर आ रहा है कि 1800 रुपए के लिए विवाद करना चाह रहा है JSCA। मतलब ये आपको हैरानी होती है? बिल्कुल हैरानी हुई मुझे जब पहली बार ये खबर मैंने देखी। वाकई मुझे बहुत हैरानी हुई कि 1800 रुपए इतना नीचे कोई स्टेट एसोसिएशन कैसे गिर सकता है, वो भी ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसकी वजह से उस क्रिकेट एसोसिएशन का नाम कहां कहां तक पहुंचा है। बिल्कुल, कि धोनी ये खिलाड़ी झारखंड से खेला है, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से खेला है, कितने खिलाड़ी अब झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को जाके रजिस्ट्रेशन फीस बाकी लोगों ने दी होगी, जितने कमाई उनकी हो गई होगी वो 1800 रुपए। यानी ये मुश्किल ये होगा आज से 14-15 साल पुरानी बात, जब महेंद्र सिंह धोनी ने रजिस्टर किया होगा एज ए न्यू कमर कि मैं यहाँ से जो है प्रैक्टिस करने जो अब जाते हैं स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में, उसको लेकर के जो 1800 रुपए। और अब खबर ये भी आ रही है जो इसमें लेटेस्ट है, ये खबर तो थोड़ी सी पुरानी है लेकिन लेटेस्ट जो इसमें है वो ये है। और ये JSCA के साथ ऐसा होना चाहिए था कि वहीं पे कुछ बच्चों का समूह था और वो धोनी के बिल्कुल फैन आपकी और हमारी तरह, और उसके बाद उन्होंने क्या करा कि 1800 रुपए जमा करने शुरू करे, इधर उधर लोगों से मांगने शुरू करे। उनमें एक पूर्व क्रिकेटर भी है जिन्होंने पूरे के पूरे इस दल का नेतृत्व किया और उन्होंने 1800 रुपए इकट्ठे किए और JSCA को दे दिए। JSCA ने वहां पर भी उन्हें नकार दिया, कहा ये पैसा नहीं चाहिए, धोनी से ही चाहिए। मतलब वो कहीं ना कहीं एक तरह से हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का नाम आए, हमारा नाम आए, वो 1800 रुपए देने आए यहाँ पे। न जाने क्या चाह रहा है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। लेकिन हालांकि ये बात अपने आप में दिलचस्प है कि महेंद्र सिंह धोनी को, अगर मुझे लगता है अपूर्व कि उन्हें ये बात नहीं पता होगी, वरना वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर उन्हें जैसे ही पता चलेगा कि दिमाग से निकल गया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसके बाद इतना बिजी करियर रहा है उनका, तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते खेलते चले गए और उसके बाद उन्होंने ब्रेक बिना ब्रेक के खेला है क्रिकेट अगर आप देखें, और उसके बाद तब ब्रेक शुरू होता है आना करियर में जब वो टेस्ट क्रिकेट से इतिहास लेते हैं 2014 के लास्ट में। तो मुझे लगता है कि अगर उन्हें पता हो ये बात या उन्हें उन तक पहुंचेगी ये बात, तो वो सबसे पहले 1800 रुपए ही देंगे। बिल्कुल, मुझे तो लगता है अगर यहाँ पे होते वो हिंदुस्तान में होते तो अभी तक दे भी देते, अभी UAE से भी नहीं दे सकते होंगे, या फिर हो सकता है बात करके IMPS कर दें। निश्चित तौर पर हम भी कोशिश करेंगे अगर इस तरह का विवाद ना सुलझे तो हम अपनी तरफ से देने के लिए तैयार है, लेकिन JSCA ले नहीं रहा है ना, JSCA ले नहीं रहा है, बाकी बच्चों ने दिया लेकिन उनको चाहिए धोनी से ही। तो पता नहीं क्या चाह रहा है JSCA। तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की एक कंट्रोवर्सी करने की कोशिश है बहुत ही, जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसकी कोई बात नहीं, लोकप्रियता हासिल करने के लिए मुझे लगता है ये किया गया। हिंदी में शब्द है सस्ती लोकप्रियता ही है। आपको क्या कहना है इस पर जरूर हमें बताइए, जरूर बताइए कि, और आप अगर 1800 रुपए देना चाहें तो आप भी भेज सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।